तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक ए हाफ रिवॉल्यूशन इन ए इंजीनियरिंग कर्व। बेसिकली 56 मिलीमीटर का एक बॉल है, वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन करके नीचे आ रहा है। देन हमें उसका लोकस पॉइंट पी डिसाइड करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक होगा। सो बेसिकली फर्स्ट हम 56 मिलीमीटर डायमीटर का एक बॉल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक 56 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बनाया है। नाउ हमें उसके सेंटर पॉइंट मार्क करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क करते हैं। नाउ इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें एक एक कर्व मार्क करना है। हर पॉइंट से हमें दो दो कर्व मार्क करने हैं। ये हमारा स्टेप वन है। अब हमें हर दो पॉइंट को जॉइन करना है। नाउ हमें ये डिसाइड करना है कि हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स वो बॉल कितने मिलीमीटर वर्टिकली नीचे आएगा। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला है पाई डी बाई टू। पाई मीन्स 3.14 इंटू 56 डिवाइड बाई टू और ये बेसिकली अराउंड 88 मिलीमीटर आता है। एंड ऑल डायमेंशन और आर इन मिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक 88 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ये हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन रोटेट होगा। अब हमें 88 मिलीमीटर के बाद सेम 56 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है।
ये सर्कल को भी हमें सेम सेंटर पॉइंट पे रखे सेम सेंटर पॉइंट पे रखे दो दो आर्क ड्रॉ करने हैं। और वो आर्क को हमें सेंटर से ज्वाइन करना है। तो वैसे भी वर्टिकल हो गया है। अब हम सेम 88 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेम सर्कल फिर से एक बार बनाएंगे। पाई डी बाई टू इज इक्वल टू 88 मिलीमीटर। नाउ रिमेनिंग पोर्शन को हम शो कर देते हैं। ए बॉल क्लॉकवाइज नीचे आएगा वो शो कर देते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन दिखा देते हैं 56 मिलीमीटर। नाउ मैं 88 मिलीमीटर पर एक और सर्कल बनाना है। हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेम एज लास्ट हमें सब पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें तीन सर्कल को सेम पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। सेम जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए। तीनों सर्कल को ज्वाइन कर देना है।
सब पॉइंट को मिलाकर लाइन खींच दीजिए। सेम एज फॉर थर्ड सर्कल, सेकेंड सर्कल के रेफरेंस से थर्ड सर्कल को भी लाइन खींचिए। नाउ हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें पीक आउट ड्रॉ करना है, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। 88 को हमें ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड करना है कि उससे पीक आउट के लिए हमें रेफरेंस मिल सके। सो 88 डिवाइड बाय 6 करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। 88 को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम 88 डिवाइड बाय 6 करते हैं, ऑलमोस्ट आता है 14.66 मिलीमीटर। एक फास्ट तरीका है कि हम कर्व्स की डायग्राम कैसे बना पाए। कर्व्स की डायग्राम बनाने के लिए एक सिंपलेस्ट मेथड है। तो 88 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 14.66 मिलीमीटर, तो हम 14.66 मिलीमीटर पे मार्क कर देते हैं। मेरे जैसे कीजिए, तो ये सिंपलेस्ट वे है टू मेक ए इंजीनियरिंग कर्व डायग्राम। अब हम सेंटर लाइन तक सेम पॉइंट को खींचेंगे, हर एक पॉइंट को सेंटर लाइन तक खींचेंगे। हर एक पॉइंट को आप सेंटर लाइन तक खींचिए और फिर हम उस पॉइंट का नामकरण करेंगे। तो 1-2-3-4-5-6, सेम एज 6-7-8-9-10-11-12। आगे का नामकरण करेंगे C1, C2, C3।
नाउ सब डायग्राम रेडी है, बस हमें अभी पी के पॉइंट मार्क करने हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो पी के पॉइंट मार्क करने में बहुत आसानी होगी। C1 पर रखकर आसानी होगी। P1 मार्क कीजिए, C2 पर रखकर P2 मार्क कीजिए। जैसा मैं कर रहा हूँ स्टेप फॉलो कीजिए और देन उसके बाद पी का कर्व का लाइन बना दीजिए, पी के कर्व का एक लाइन बना दीजिए। दोस्तों आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।